हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं, कोई भी आईपीओ को अगर हमें अप्लाई करना होता है तो कैसे उसको अप्लाई किया जाता है। तो वीडियो बहुत ही शॉर्ट और इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक वॉच करें। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं, एंजल वन ऐप में हमने लॉगिन कर लिया है। होम में आने के बाद में अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहां पे आपको आईपीओ का सेक्शन दिखाई दे रहा होगा, तो इस पे हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम यहां पे इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में आप यहां पे देख सकते हैं ओपन एंड अपकमिंग जो है आईपीओ हमें यहां पे देखने को मिलेंगे। तो थोड़ा सा हमें स्क्रोल करना है। स्क्रोल करने के बाद आप देख सकते हो ओपन आईपीओ जो है यहां पे 4 दिखाई दे रहा है, मतलब कि 4 आईपीओ जो है ओपन है फिलहाल के लिए। आप चाहे तो उनको अप्लाई कर सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए इसमें से कोई एक सिलेक्ट कर लेते हैं, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे श्रीवारी स्पीसीज एंड फूड लिमिटेड का देखते हैं, तो इस पे हम टैप कर लेते हैं। जैसे ही हम इस पे टैप करेंगे हमारे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो करेगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये इस कंपनी का नाम है यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखेंगे मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप कितना कर सकते हैं और मैक्सिमम कितना कर सकते हैं यहाँ पे देखने को मिलता है। और यहाँ पे देखिए प्राइस रेंज जो है इसकी 40 से लेके 42 की है, और यहाँ पे मैक्सिमम आप 3 लॉट के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। और नीचे के साइड में अगर आप देखेंगे तो इशू साइज जो है 9 करोड़ का जो है इन्होंने इशू साइज रखा है यहाँ पे। और थोड़ा सा स्क्रोल करके अगर हम यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पे 26x जो है यहाँ पे हमें सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है आईपीओ का, जो कि अच्छा खासा हम मान सकते हैं। और यहाँ पे आप देखिए आईपीओ डेट्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अभी देखिए आईपीओ जो है अप्लाई यहाँ पे 7 अगस्त से लेके 9 अगस्त का है। ऑफर ओपन हुआ है 7 अगस्त के दिन और एंड होने वाला है 9 अगस्त को। जब भी कोई आईपीओ ओपन होता है तो वो 3 दिन के लिए ओपन होता है और इसकी पूरी प्रोसेस जो होती है 10 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाती है। अभी यहाँ पे 7 अगस्त को आईपीओ ओपन हुआ है तो 18 अगस्त को जो है यहाँ पे हमें लिस्टिंग इसकी देखने को मिलने वाली है। तो इस तरह से जो है आप डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हो। अभी यहाँ पे हमें अप्लाई नाउ पे टच करना है। जैसे हम यहाँ पे अप्लाई नाउ पे टच करेंगे यहाँ पे हमारे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो करेगा। यहाँ पे हमें कितने लॉट अप्लाई करना है यहाँ पे एंटर करना है। मान लीजिए अगर आपको 1 चाहिए तो आप 1 अप्लाई करेंगे, 2 चाहिए 2 लॉट चाहिए तो आप 2 करेंगे, 3 चाहिए तो 3 करेंगे। उस हिसाब से जो है आपका अमाउंट जो है यहाँ पे दिखाई देगा, कितना अमाउंट आपको पे करना है। और यहाँ पे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको आपकी UPI ID एंटर करनी है। जो आपके डीमैट अकाउंट से लिंक है वही UPI ID एंटर करिए ताकि पेमेंट करने में आसानी हो। तो बहुत ही आसान तरीके से जो है आप कोई भी IPO को अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई गई है। ये IPO भी हमने सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बताया है। कोई भी जो है हम IPO को यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। इंस्टा ट्रेड फीचर का यूज़ करके आप डायरेक्टली यहीं से बाय कॉल और बाय पुट कर सकते हैं। अभी हमें मान लीजिए बाय कॉल करना है तो यहाँ पे हम बाय कॉल पे टैप करेंगे। जैसे ही हम उस पर टैप करेंगे आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल अगर करते हैं तो यहाँ पे हमें कंटिन्यू का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर हमें टैप करना है। जैसे ही हम उस पर टैप कर लेंगे हमारे सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस शो करेगा। आप अगर से कॉल को बाय करके होल्ड करना चाहते हैं तो कैरी फॉरवर्ड में करेंगे, अगर सेम डे बाय सेम डे सेल करना चाहते हो आप इंट्रा डे में करेंगे। यहाँ पे लॉट साइज दिया है 25 का, यहाँ पे बैंक निफ्टी का है तो यहाँ पे जो है हम 1 एंटर करेंगे। और नीचे में आप देख सकते हो लिमिट और मार्केट का ऑप्शन दिया है। लिमिट यानी कि आप अपने मनपसंद प्राइस पे इसको खरीद सकते हो। जैसे कि इसकी प्राइस चल रही है 110, अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं 105 पे तो यहां पे आप एंटर करेंगे, जब भी इसकी प्राइस यहां पे आ जाएगी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब मार्केट रेट क्या होता है, मार्केट रेट यानी कि जो भी इसकी करंट प्राइस चल रही होती है उसी पे डायरेक्टली आपका ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट हो जाता है। सिंपली हमें यहां पे बाय पे टच करना है। बाय पे टच करने के बाद कन्फर्म आ जाएगा, कन्फर्म पे टच करने के बाद हमारा ऑर्डर जो है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो वीडियो बनाई गई है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई गई है। जब भी आप कोई भी स्टॉक में फ्यूचर ऑप्शंस में एंट्री का प्लान करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही उसमें एंट्री बनाएं। और अभी तक आपने एंजल वन में डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, उस लिंक का यूज़ करके आप फ्री में डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।